अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शोबिज़ स्टार। आज के स्टूडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के बेहद कामयाब और सीनियर अदाकार सैयद मोहम्मद अहमद के बारे में। तो व्यूअर्स, इनकी मुकम्मल डिटेल और बायोग्राफी आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल शोबिज़ स्टार पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बरवक़्त पहुँच सके। जी व्यूअर्स, तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। आपको बताते चलें, पाकिस्तानी अदाकार सैयद मोहम्मद अहमद, जिन्हें अक्सर मोहम्मद अहमद भी कहा जाता है, ये एक पाकिस्तानी स्क्रीन राइटर, गीत निगार, अदाकार और हिदायतकार हैं। अदाकार सैयद मोहम्मद अहमद 8 मार्च 1957 को कराची पाकिस्तान में पैदा हुए और अब इनकी उम्र 68 साल है। इनकी हाइट 5 फीट 9 इंच, इनका आई कलर ब्लैक जबकि हेयर कलर डार्क ब्लैक है। अदाकार सैयद मोहम्मद अहमद ने अपने कैरियर का आगाज 1980 की दहाई में किया और कई वर्सटाइल किरदारों में अपनी अदाकारी दिखाते हुए नजर आए। व्यूअर्स, बात करें अगर इनकी पर्सनल लाइफ की, तो अदाकार सैयद मोहम्मद अहमद शादीशुदा हैं और 4 बेटों के बाप हैं। हाल ही में इनकी बड़ी बेटी अरूज अहमद एक निजी शादी की तकरीब में रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। अदाकारी के अलावा इन्होंने 15 से ज़ायद ड्रामों की कहानियाँ भी लिखी हैं। इसके अलावा इन्होंने 7 से ज़ायद पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया। वो एक बासलाहियत अदाकार हैं जिन्होंने हमेशा एक अच्छे बाप का किरदार अदा किया है। बात करें अगर इनके ड्रामास की, तो अदाकार सैयद मोहम्मद अहमद ने बहुत सारे ब्लॉकबस्टर ड्रामास में काम किया और काफ़ी शोहरत भी हासिल कर चुके हैं। इनके मशहूर ड्रामास में ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो, ड्रामा सीरियल अहद वफा, ड्रामा सीरियल रिश्ते बिकते हैं, ड्रामा सीरियल रसवाई और ड्रामा सीरियल औलाद शामिल हैं। व्यूअर्स, ये थी अदाकार सैयद मोहम्मद अहमद की मुकम्मल डिटेल और बायोग्राफी। आपको इनका कौन सा ड्रामा बेहद पसंद है, कॉमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।